कैसे हो आप लोग? आज पुरुलिया टूर का सेकेंड डे है। मुझे भी उतरना है, तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं। जाते हैं, देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और बने रहिए जर्नी एक्सप्रेस के साथ। कैसे हो आप लोग? आज पुरुलिया टूर का सेकेंड डे है। हम लोग होटल से निकल के पुरुलिया टैक्सी स्टैंड आए हैं। तो पहली बात बता दूं आप लोगों को, आप पुरुलिया जब भी आओ होटल से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज काफी ज्यादा होता है। हम लोगों ने पूछा था तो 3-3.5 के करीब बोलते रहते हैं यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट कहीं पे भी आप रुको तो वहां से पुरुलिया टैक्सी स्टैंड चले आओ। चार्ज अब फिलहाल 2019 का चार्ज 2000 रुपए चल रहा है, ठीक है ना? तो हम लोगों ने 1800 में रफा किया है। एक और बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप जब पश्चिम बंगाल के बाहर के हो उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अयोध्या मतलब यूपी की अयोध्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक अयोध्या है जो हिल्स है, अयोध्या हिल्स। तो अगर आप कभी भी पुरुलिया आओ तो अयोध्या हिल्स जरूर घूमना, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज आगे बढ़ते हैं, बने रहिए जर्नी एक्सप्रेस के साथ। आप देख रहे हो अयोध्या हिल, हम हिल के ऊपर ही खड़े हैं, वहीं से शूट कर रहे हैं। तो राजा अपना व्यू बता दो दर्शकों को। यार जैसे मैंने सुना था अयोध्या हिल के बारे में, अयोध्या हिल को उससे भी सुंदर पा रहा हूँ। अयोध्या हिल आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम और भी ऐसे वीडियो डालने वाले हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा एक घंटी साइड में एक्टिवेट हो जाएगा, वो घंटी आपसे कहेगा यार मुझे बजाओ, तो प्लीज घंटी को बजा देना। बजा जरूर देना, बस घंटी को बजा देना, इससे क्या होगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा हम कौन से वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग बस अभी चढ़े भी नहीं वहाँ पे, अभी यहाँ इतना कुछ देख रहे हैं कि मतलब क्या बताऊँ आपको। ये देखिए हमारे ठीक पीछे ही है, तो अयोध्या हिल का मजा लीजिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है सामने। मालविका निहारिका ये दो अच्छे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है वेस्ट बंगाल सरकार के, आप यहाँ पे भी आके ठहर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग अभी अयोध्या हिल टॉप पे ही है, यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पे दुकान है दोस्तों, यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। यहाँ पे कचौड़ी मिलता है, जलेबी मिलता है, ये कुछ पकड़ा है शायद, रेसिपी का नाम है गुलगुला। दोस्तों ये है हमारा ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है अभी। चलिए दोस्तों आगे का रास्ता देखते हैं। दोस्तों अभी हम मयूर पहाड़ में जा रहा है। तो देखिए दोस्तों जैसा राजा कह रहा है ये मयूर पहाड़ जाने की रास्ता है। यहाँ पे गेट बंद भी करना पड़ता है। चलिए पहाड़ के ऊपर चलते हैं। हमारा पहला ब्लॉगिंग है पश्चिम बंगाल का। आप देख लो, इससे पहले हमने जो ब्लॉगिंग किए थे सब पश्चिम बंगाल के बाहर के ब्लॉगिंग किए थे। तो अभी फर्स्ट ब्लॉगिंग 2019 का हम पश्चिम बंगाल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। देवाशीष ज्यादा नीचे मत जाना। कैसा लग रहा है वहां से? अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत। देवाशीष ने सर्टिफाइड कर दिया अद्भुत। आना चाहिए कि नहीं लोगों को यहाँ पे? मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ। आप जब भी पुरुलिया आओ तो अयोध्या हिल्स आना। अयोध्या हिल्स आने के बाद मयूर पहाड़ याद रखना नाम, ठीक है? मयूर पहाड़, मयूर पहाड़। मयूर का मतलब हिंदी में मोर, मोर पिकॉक। हम लोग का एक फेसबुक पेज भी है जर्नी एक्सप्रेस। क्या है? जर्नी एक्सप्रेस 1983। तो वहाँ पे हम लोग सुंदर सुंदर पिक्स डालते रहते हैं। आगे नीचे नहीं जा सकता, काफी ढलान है, मैं गिर जाऊंगा। देवाशीष मैं जाऊँ? जाओ, चले जाओ। कैसे गिरेगा? तो कितना फीट जाएगा? अबे नहीं बचेगा कुछ, कम से कम 100 फीट। हाँ वो तो हो गई 100 फीट नीचे। सो दोस्तों कभी भी ये हरकत मत करना, यहीं तक आना जहाँ तक हम आए हैं, इससे आगे मत जाना, मत जाओ। और अगर ऐसे जूता पहन के आना जो आपको यहाँ पे ग्रैब करता हो, जैसा कि मैं पहना हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ऐसा ये देखिए। देवाशीष ऊपर जा रहा है, ये दूसरा साइड है, हम लोग दूसरे साइड को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखे क्या है यहाँ पे ऊपर, एक पताका तो लहरा रहा है, पता नहीं किसका है, देखते हैं ऊपर जाके। देखो अच्छी तरह से देख लो देवाशीष को आप लोग। पहुंच गया देवाशीष, देख रहे हो देवाशीष ऊपर पहुंच गया। देखिए दोस्तों राजा कैसे उतर रहा है, मुझे भी उतरना है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं, देखते हैं कहाँ होता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर पहाड़ से निकलने के बाद अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मार्बल लेक। मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे भारत में हर एक जगह सुंदर है, पता है? ये नहीं है मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ इसके वजह से पश्चिम बंगाल सुंदर है, ये नहीं। मध्य प्रदेश में देख मार्बल रॉक एक अलग सौंदर्य है, यहाँ पे मार्बल लेक एक अलग ही है। अब डुबकी लगाने का इरादा है क्या? डुबकी नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। रिफ्रेशमेंट। लेक
क्यों आना चाहिए, सब यही सोचते हैं। पुरुलिया एक नया डेस्टिनेशन है, वीकेंड डेस्टिनेशन तो नया ही है। अगर आपका 2-3 दिन का छुट्टी है तो आप पुरुलिया आराम से आ सकते हो। तो पहला विजिट तो हमने कहाँ किया देवाशीष? मोर पहाड़। उसके बाद हम लोग चले आए ये मार्बल लेक। तो ये हमारा दूसरा डेस्टिनेशन था मार्बल लेक। अभी मार्बल लेक के बाद कहाँ जाते हैं देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बने रहिए जर्नी एक्सप्रेस के साथ। तो मिलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन। बजा जरूर देना बस। ठीक है, आप एक ट्रैक्टर का भी आवाज सुन सकते हो, ट्रैक्टर चल रहा है अभी। देखो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो पुरुलिया राज्य, पुरुलिया जिला। ठीक है, ओके देखते हैं चलो। यहाँ पे दुकान है, आप देख सकते हो होटल। यहाँ पे दुकान है परिवार और लॉज। देवाशीष ऊपर पहुंच गया, मैं दिखाता हूँ आपको। हिस्सा है ना यहाँ पे। तो ठीक है चलो मिलते हैं फिर आगे।